नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रॉलेंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल कस्टोडियंस ऑफ द लैंड दैट वी आर मीटिंग हियर ऑन टुडे। आई पे माय रिस्पेक्ट to their elders past, present and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस एना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है, ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां
लिटल इंडिया के फाउंडेशन स्टोन को अनवील करने में मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सी सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं,
सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है, इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय, आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है, क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी। भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से, साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है
सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह वाकई, दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हां, आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्स में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर्स भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। यह ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है, 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है
वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है। और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा, ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर वन स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर वन है वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर दो पर है वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो देश है। आज जो देश राइस वीट सुगर कैन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर दो पर है वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर दो पर है वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है। साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष
रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेस्ट रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भलीभांति परिचित हैं। आपको याद होगा, जब मैं 2014 में यहां आया था, तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के, यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इके सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जेम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में, यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए, यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी UPI ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है।
इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन बेचकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंध प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी
कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो, भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। साथियों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर गहरी हो रही है। हाल में ही हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ECTA एकता साइन किया है। अनुमान है इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले 5 वर्ष में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हम रिजिलियंट और रिलायबल सप्लाई चेन्स का निर्माण कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही, दुनिया को भी नया विश्वास मिलेगा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं,
तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसुलेट खोला जाएगा। फ्रेंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। ये वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद का लोकार्पण किया। यह अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहें। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? पक्का? प्रॉमिस? मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। इससे उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।